हमारे पीछे जो महिलाएं खड़ी है वो उनकी दर्द भरी दास्तान बस इतनी है कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इनके बात नहीं बनी, काफ़ी परेशानी में है। ये सभी के सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और BPSC की परीक्षा को लेकर के परेशानी में है, राज्य भर से आई हैं। मैडम, आज फिर बहुत सारा फाइल आप लोग के हाथों में है, परेशानी चेहरे से साफ झलक रही है, कहाँ से आई हैं पहले ये बता दीजिए। मैं आई हूँ डेहरी ऑनसोन रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने फाइल को मजबूत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग केस हो रहा है तो उसके फाइल को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए यहाँ पे। हम लोग को आज स्कूल में होना चाहिए, लेकिन ये सरकार दोगली निकम्मा सरकार है जो आज हम लोग को यहाँ पे झेलवा रही है। इतने दूर दूर से लोग आए हुए, अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, कोई कहीं से आया है, कोई अपने हस्बैंड को छोड़ के आया है, कहाँ कहाँ से लोग आके यहाँ पे झेल रहे हैं। और ये सिलेबस, ये कैसा सिलेबस, कितने एग्ज़ाम दें हम लोग, क्या कितना एग्ज़ाम दें, लेकिन ये सरकार हम लोग कोई सुन नहीं रही है। इसके आखिरी आखिरी मौका हम लोग को सुप्रीम कोर्ट है, बस वही हम लोग को न्याय मिलने चाहिए। इसके अलावा हम लोग को और बस यही अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट से, हम लोग को न्याय मिल जाए वहाँ पे। मैम कहाँ सर? मैं नवादा से आई हूँ और हम लोग STET के मुद्दा 4 साल से सरकार भ्रमित कर रही है। जितना तेज़ रफ्तार में सरकार दिखा रही है, हम लोग भी उतना तेज़ रफ्तार में हम लोग भी यूनिटी दिखाएंगे। और सरकार के सामने चैलेंज है कि हम लोग भी जीत के दिखाएंगे। और जो सिलेबस जारी कर रही है ना, सिलेबस तो कुछ डरने वाला नहीं है, निगेटिव मार्किंग रखी है। क्या हम लोग का SDM सरकार बनाएगी, DM बनाएगी, क्या लेवल के एग्ज़ाम देंगे हम लोग? हम लोग का 4 साल से मानसिक प्रताड़ना हम लोग झेल रहे हैं। पढ़ाई करें कि एग्ज़ाम करें? एग्ज़ाम ही देना था तो 4 साल पहले क्यों नहीं सरकार बताई कि हम एग्ज़ाम लेंगे? उस समय हम लोग लगातार कंटिन्यू तैयारी में रहते तो हम लोग एग्ज़ाम भी पास कर रहते। आज क्या पता आज हैं कल नहीं रहेंगे, हम लोग का अस्तित्व कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है। और सरकार हम लोग के साथ मानसिक छलावा कर रही है और कुछ नहीं। सरकार वैकेंसी भी देने वाली नहीं है, सरकार केवल चुनावी मुद्दा है और एक झुंझुना है, और इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए कि आपकी जो जितनी सारी महिलाएं हैं अभ्यर्थी हैं, साफ तौर पर आंसू एक तरह से कहिए तो निकल रहा है, भावनात्मक हो रही हैं। मैम कितनी परेशानी हो रही है, चूँकि जेंट्स के लिए जो शिक्षा का अभ्यर्थी हैं उन लोगों को आंदोलन करना आसान होता है, लेकिन एक महिला के लिए बहुत बड़ा टास्क है ये। नहीं मैम, आंदोलन में जेंट्स और महिला की बात नहीं है, उन जेंट्स को भी दिक्कत होता है, लेडीज़ को भी दिक्कत होता है, तो ये सरकार सोच ही नहीं रहे हैं। और आज क्या गारंटी दे रहे हैं सरकार के, BPSC लेने के बाद फिर हम लोग का ज्वाइनिंग दे देंगे? तो हम बस लास्ट यही बोलेंगे नीतीश जी को, मेरा खास संदेश है कि अपनी कुर्सी की मतलब संभाल के रख लें, उनका मौसम बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये जो आज एकताई है ना, ये उनके लिए बहुत ख़राब संदेश है। बस इतना बोलेंगे मैम, आगे वो समझदार हैं। तो देखिए क्या जिस तरह से अभ्यर्थी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी बिगड़ने वाली है, क्या? हाँ वो सही है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सब कोई चाह रहा था कि ज्वाइनिंग लेटर मिले, हम लोग स्कूल में रहें, लेकिन वो एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, STET का 2 बार एग्ज़ाम हो चुका है, 1 बार नहीं, कोरोना में पूर्णिया हम एग्ज़ाम देने गए थे अपने पापा के साथ, सोच लीजिए कोरोना टाइम में, मेरा सेंटर पूर्णिया था, आप चेक कर सकती हैं। तो ये मतलब नहीं होगा कि हम लोग बार बार एग्ज़ाम देंगे, आपको ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए। हम लोग बैठे हैं कि हम लोग का मतलब अनमैरिड हैं, जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो हम लोग का शादी होगा, मतलब सारा परिवार मतलब सोच रहा है कि मतलब कब हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिले। बस सरकार को चाहिए कि एग्ज़ाम, और उसमें भी कोई क्लियर नहीं है कि आपको जॉब मिलने वाला है, बस एग्ज़ाम होता है यहाँ पर टाइम से, लेकिन जॉब किसी को टाइम से नहीं मिलता है। जब आपको 4 साल बर्बाद हम लोग का किया, पहले ही बोल देता कि और आगे भी एग्जाम होगा तो हम लोग का माइंड सेट रहता, हम लोग उसका प्रिपरेशन करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ के आज स्कूल बोला हम लोग पढ़ा रहे होते, आज हम ही लोग बैठ के पढ़ेंगे तो बच्चे कब पढ़ेंगे? ये हम लोग के पढ़ने का उम्र है कि हर कुछ दिन पे एक एग्जाम ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप खुद भी पढ़ लीजिए, आप भी दीजिए ना एग्जाम हम लोग के साथ, तो फिर मजा आएगा आपको भी। तो देखिए कि गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, गुस्सा वाजिब भी है, क्योंकि 4 साल से आंदोलन किए थे और बस इंतज़ार था तो वो नियुक्ति पत्र का, लेकिन मामला बिगड़ा तब जब है ना ये लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन किए और उसके बाद BPSC के जरिए परीक्षा लेने की बातें सामने आई। इस सारे मुद्दे को लेकर के अब महिला अभ्यर्थी काफ़ी गुस्से में है और इस सारे बातों को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट जा रही, और जो अपनी समस्या है अब न्यायपालिका पर इन लोगों को भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि न्याय वहीं से मिलेगी, सरकार से तो ये लोग ऐसे भी नाराज़ है। फिलहाल के इतना ही, बने रहे कशिश के साथ, पटना संकेता सिंह की रिपोर्ट।